हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। भारत बंद से पहले किसान संगठनों ने सिंगू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भारत बंद को सहयोग देने की अपील की और कहा कि जल्द से जल्द तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार, वरना रेल यात्रा भी बाधित होगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश के किसानों का पूरा समर्थन है। इस दौरान किसान संगठनों का कहना था कि हम पूरी तरह से बंद के लिए तैयार हैं। कानून किसानों के हित में नहीं है, हमें कनाडा से भी समर्थन मिला है। किसानों के भारत बंद के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने बैठक की। हरियाणा सचिवालय में हुई बैठक, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक की गई। हरियाणा के गृह सचिव और डीजीपी समेत आला अधिकारी भी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों के अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के बाद डीजीपी मनोज यादव ने बताया कि सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि भारत बंद के दौरान लोगों को कम से कम दिक्कत आने दें। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली सीमा पर जारी आंदोलन का 12वां दिन है। मंगलवार यानी कल किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। इस दौरान किसान संगठनों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि जब तक तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसानों के भारत बंद के आह्वान पर साइबर सिटी की शांति और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस का कहना है कि जनता को भारत बंद के दौरान परेशानी से दो चार न होना पड़े, इसके लिए आधा दर्जन रूट्स को डाइवर्ट किया गया है और तमाम चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई। गुरुग्राम से बाहर नंबर की संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग को भी तेज किया गया है। जिला प्रशासन की माने तो शहर के सभी मुख्य चौक चौराहे मेन रोड खुले रहेंगे। शहर में तमाम जरूरी चीजें मसलन बिजली, पानी, रेल और बस सेवा सामान्य दिनों की तरह चले, इसको लेकर भी व्यवस्था की गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ 12वें दिन से किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कल किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, जाकल, भट्टू, भूना में 14 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन कई दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के धरने को जहां विपक्षी राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है, वहीं हरियाणा की कई खास पंचायतें भी किसानों को अपना समर्थन देने दिल्ली बॉर्डर पहुंच रही हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के चल रहे धरने के बीच विभिन्न किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को देश भर में बंद का आह्वान किया है। करनाल में बंद को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा सभी व्यापारियों और मंडी एसोसिएशन से भी संपर्क किया गया है ताकि कानून व्यवस्था ठीक रहे। गोहाना अनाज मंडी के आढ़तियों ने एक मीटिंग कर किसान आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि गोहाना की अनाज मंडी पूरी तरीके से बंद रहेगी। कल के दिन ना तो मंडी में कोई खरीद होगी और ना ही आने वाली फसल को मंडी में उतारा जाएगा और ना ही बेचा जाएगा। आढ़तियों का कहना है कि किसान व्यापारियों का चोली दामन का साथ है और वो पहले ही दिन से किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं। वो भी सरकार के इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते आ रहे हैं। जब तक सरकार इनकी बातें नहीं मानती, किसानों को आढ़तियों का समर्थन जारी रहे। वहीं किसानों के भारत बंद पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भारत बंद का कांग्रेस समर्थन करेगी। केंद्र को 9 दिसंबर का इंतजार नहीं करना चाहिए, केंद्र को तुरंत किसानों की मांगे माननी चाहिए। हुड्डा ने कहा कि नए कानून से देश में 2 मंडियां बन जाएंगी। नए कानून में कंपनियां अपने हिसाब से रेट तय करेंगी। कृषि कानूनों से किसानों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। हम चाहते हैं कि तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। वहीं जेजेपी और निर्दलीय विधायक किसानों के पक्ष में बयान दे रहे हैं। सत्र में विधायकों के दावे और हकीकत का पता चल जाएगा। सरकार अल्पमत में है, सत्र बुलाना चाहिए। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने
किसानों की ओर से भारत बंद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों की ओर से किए जा रहे भारत बंद का समर्थन करती है। किरण चौधरी ने कहा कि किसान ठंड में बैठे हैं, लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार कृषि कानून को रद्द करने के बजाय इस आंदोलन को खत्म करने की साजिश रच रही है। किरण चौधरी ने कहा कि सरकार की ओर से धरना स्थल पर जैमर लगाए जा रहे हैं, जिससे इस मुद्दे को मीडिया में कम दिखाया जाए। कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान पर किरण चौधरी ने कहा कि पहले वो कहते हैं कि सभी आंदोलन करने वाले कांग्रेसी हैं, और फिर उन्होंने कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और अब वो SYL नहर की बात पे कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस नहर की कृषि मंत्री बात कर रहे हैं, उसका फैसला तो बहुत पहले ही हरियाणा के हक में आ चुका है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार को निशाने पर लिया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार कोरोना की आड़ में ये तीनों काले कानून लाई है। उन्होंने कहा कि किसान का आंदोलन और उनकी मांगें पूरी तरह से जायज है, और सरकार को किसानों की सभी मांगों को मानना चाहिए। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर किसानों के आंदोलन को कुचलने की साजिश करने का आरोप लगाया, और कहा कि किसानों के आंदोलन में सभी आगे आ रहे हैं, लेकिन JJP अब भी कुर्सी से चिपक कर बैठी है। किसानों के भारत बंद पर JJP नेता दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसानों का भारत बंद शांतिपूर्ण रहे, कांग्रेस का अल्पमत में सरकार वाला आरोप गलत है। वहीं दिग्विजय चौटाला ने विशेष सत्र बुलाने की मांग को गलत ठहराया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हुड्डा, सैलजा, सुरजेवाला के मंसूबे कभी सार्थक नहीं होंगे। JJP के 4 विधायकों के किसानों को समर्थन देने पर भी दिग्विजय ने कहा कि सभी 90 विधायक कृषि कानूनों का हल चाहते हैं। किसानों के आंदोलन के बीच दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम शुरू से किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं, मैं किसानों की मांग से सहमत हूं, मुझे लगता है उनकी सभी मांग जायज है, सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। मैं यहां मुख्यमंत्री बनकर नहीं आया, मैं यहां किसानों का सेवक बनकर आया हूं, मैंने यहां की व्यवस्था भी देखी है, कुछ पानी की दिक्कत है। भारत बंद पर उन्होंने कहा कि हम भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, आपके सभी कार्यकर्ताओं को इसमें शांतिपूर्ण शामिल रहना है, हम इस बंद को सफल बनाएंगे। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो मुझे 9 स्टेडियम को जेल बनाने के लिए कहा गया, मगर हमने नहीं माना। मुझे कई फोन आए, बहुत दबाव भी था, मगर मैंने अपने जमीर की सुनी। मुझे लगता है कि उस फैसले के कारण किसान आंदोलन को मजबूती मिली। किसानों के समर्थन में अब तक कई राजनीतिक दल आ चुके हैं, वहीं अब बसपा प्रमुख मायावती ने भी साथ देने की बात कही है। दिल्ली समेत देश के बाकी हिस्सों के ऑटो टैक्सी यूनियन भी मंगलवार को होने वाले भारत बंद में शामिल होंगे। दिल्ली में मंगलवार को आम लोगों को टैक्सी और ऑटो लेने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि कई यूनियनों ने भारत बंद का समर्थन किया है। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रमुख के मुताबिक उनके समेत कुछ अन्य टैक्सी संगठन 8 दिसंबर को भारत बंद में भागीदारी करेंगे और काम बंद रखेंगे। पिछले कई दिनों से दिल्ली के सीमाओं पर हजारों किसान डटे हुए हैं। 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद के दौरान दिल्ली में आने जाने का पूरा रास्ता ठप करने की बात कही गई है। भारत बंद से अगले ही दिन किसानों और सरकार के बीच एक और दौर की बातचीत होगी, जिसमें कोई हल निकलने के आसार हैं। सिरसा से लगातार किसानों का दिल्ली कूच जारी है। सोमवार को भी दर्जनों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली के लिए रवाना हुए। बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे पक्के मोर्चे के धरने से किसानों का जत्था रवाना हुआ। लगातार 12 दिन किसान कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में डटे हुए। किसानों के समर्थन में लगातार जत्थे रवाना हो रहे हैं। दिल्ली रवानगी से पहले पक्का मोर्चा धरना स्थल पर किसानों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना था कि जब तक काले कृषि कानून वापस नहीं होते, तब तक वो दिल्ली में रहकर विरोध जताएंगे।
भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने एक वीडियो जारी कर लोगों से 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद के लिए समर्थन देने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने इसे सफल बनाए जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन केवल किसानों का नहीं बल्कि देश के हर वर्ग का है। उन्होंने कहा कि देश का हर वर्ग इन कानूनों से प्रभावित होने वाला है। उन्होंने कहा कि आप सभी इस भारत बंद में सहयोग करें और सुबह से शाम तक बाजार को बंद रखें। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमें आंदोलन को शांति प्रिय तरीके से करना है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई शरारती तत्व न आए। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि दोपहर 3 बजे तक देश की सेवा समझकर सभी अपने अपने संस्थान बंद रखें। पंचकुला में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना अभियान तेज कर दिया है। नगर निगम के चुनाव को लेकर पंचकुला से विधायक और हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्पीकर ने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में नहीं उतारा जाएगा। उम्मीदवारों के नाम 12 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। स्पीकर ने यह भी बताया कि चुनाव बीजेपी और जेजेपी साथ मिलकर ही लड़ेगी, जिसे विकास के नाम पर लड़ा जाएगा। कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के लिए सलाहकार समिति का गठन किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने इस कमेटी का गठन किया है। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के लिए इस समिति का गठन किया गया है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 1498 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 310 और फरीदाबाद में 265 नए केस सामने आए हैं। वहीं रेवाड़ी में 144 और पानीपत में 105 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2588 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,43,896 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 1887 मरीजों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उधर पंचकुला में आज 39 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई और 2 और कोरोना संक्रमित मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। सेक्टर 21 में 73 साल के बुजुर्ग व्यक्ति और सेक्टर 25 में 78 साल की बुजुर्ग महिला की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई। बता दें पंचकुला में कोविड रिकवरी रेट घटकर 92.5% तक पहुंच चुका है। पंचकुला में अब तक कुल 135 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने पुष्टि करते हुए बताया कि मौजूदा समय में केवल 549 कोरोना ग्रस्त सक्रिय मरीज हैं, जिनका इलाज स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। अब तक 176 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। आज आए 39 कोरोना संक्रमित मरीजों में से और ट्रेस किए गए मरीजों सहित पंचकुला के 69 मरीज शामिल हैं। फरीदाबाद में भी आज 280 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और 250 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं स्वस्थ होने का दर 95.7% हो गई है। बीते 24 घंटे में 3 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रदेश में ठंड के साथ साथ कोहरे का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कालावली में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला। इस दौरान विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के साथ ही हादसों ने भी दस्तक दे दी है। रोहतक हिसार रोड पर एक ट्रैक्टर और हरियाणा रोडवेज की बस में जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण एक बस में मोटरसाइकिल सवार ने भी टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हादसे में बाइक सवार को चोट आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करनौर कस्बे में कोहरे ने वाहन चालकों की परेशानी को बढ़ाना शुरू कर दिया है। बता दें कि इससे पहले कोहरा ने न होने के चलते किसानों के चेहरे मायूस थे। वहीं अब कोहरे की शुरुआत के साथ किसानों का कहना है कि उनकी फसलों के लिए ये कोहरा फायदेमंद है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बाल मजदूरी करते हुए पुलिस ने 5 बच्चों का रेस्क्यू किया है। स्टेट क्राइम ब्रांच और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बल्लभगढ़ के IMT इलाके में ढाबे पर काम कर रहे 5 बच्चों का रेस्क्यू कर उन्हें बाल मजदूरी से आजादी दिलाई।
लॉकडाउन के दौरान नगर परिषद धामनोद में नारनौल के बाईपास स्थित एक रिजॉर्ट में अनियमितताएं पाए जाने के बाद सील कर दिया था। नगर परिषद ने 3 महीने की छूट देते हुए अनियमितताओं को पूरा करने के आदेश दिए थे, साथ ही किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी न करने की हिदायतें भी दी थी, लेकिन रिसॉर्ट मालिक छूट का दुरुपयोग कर रहा है और बिना किसी डर के शादियों की बुकिंग भी ले रहा है। जब इस पूरे मामले पर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऑफिशियल्स रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। अंबाला के बाजार सहित हाईवे पर परिषद अधिकारियों की बिना इजाजत के लगे विज्ञापन बोर्ड नगर की सुंदरता को खराब करने में लगे हुए हैं। यहां तक एक यूनिवर्सिटी और कुछ नेताओं सहित आई लीड कंपनियों के विज्ञापन बोर्ड भी नगर परिषद अधिकारियों के बिना इजाजत के लगाए गए हैं। एक बार फिर अभियान चलाया जाएगा। उनका कहना था कि कई बार इस तरह के अवैध रूप से विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों को जुर्माना भी किया जाता है, साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी जाती है, लेकिन चेतावनी देने के बावजूद भी सरकारी पोल पर बोर्ड टांगे रखे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए पॉलिथीन पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर तुले हुए हैं। प्रशासन लगातार पॉलिथीन पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। फरीदाबाद नगर निगम की टीम ने NIT 60 फुट रोड पर पॉलिथीन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दुकानों पर छापे मारे गए और जो भी दुकानदार पॉलिथीन रखे हुए पाए गए उनके चालान काटे गए। होटल की अपराध शाखा पुलिस ने एक कैंटर से 50 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी। दरअसल मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे 19 गौछी नहर के पास नाका लगाकर शराब पकड़ी गई है। बता दें कि शराब को धागों के बंडलों के बीच छुपाकर यूपी में ले जाई जा रही थी, लेकिन कैंटर चालक जाम का फायदा उठाकर गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि गाड़ी के नंबरों के आधार पर मालिक और चालक की पहचान हो चुकी है, जल्द ही चालक और मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा। जुलाना पुलिस को गश्त के दौरान एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कच्चा बाईपास से एक युवक को हथियार सहित गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि बाईपास के पास एक युवक हथियार लेकर घूम रहा है। पुलिस ने मौके पर जाकर तफ्तीश की और उससे 32 बोर अवैध पिस्तौल 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। DSP पुष्पा खत्री ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। इस पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। यमुनानगर के मॉडल टाउन में एक सैलून में चोरों ने धावा बोल दिया। इस दौरान 3 बाइक सवार सैलून का ताला तोड़कर अंदर घुसे और सैलून से कैश ट्रिमिंग मशीन और इन्वर्टर लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात पास में एक घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गए, जिसमें इन चोरों की करतूत साफ दिखाई दे रही है। वहीं सैलून चलाने वाले का कहना है कि पड़ोस के लोगों ने उससे ताला टूटे होने की सूचना दी थी। जब उसने देखा तो सैलून से 3000 कैश, इन्वर्टर और मशीन गायब मिली, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रेवाड़ी में एक पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि 12 नवंबर को उनके पड़ोस में रह रही महिला और उसकी बेटी ने उनके घर से जेवरात और नकदी की चोरी की, जिसके बाद उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस को की। परिवार के मुताबिक पुलिस ने पहले समझौते के लिए दबाव बनाया और फिर जब बात नहीं बनी तो कार्रवाई की बात कह रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि तकरीबन 1 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। कैथल के कस्बे
राजौंद में सड़क हादसे में एक बीएसएफ के जवान की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक बिहार का रहने वाला है जो दिल्ली से फिरोजपुर जा रहा था। गाड़ी में उसके साथ उसकी पत्नी और लगभग 4 साल की बेटी थी। इस हादसे में बीएसएफ जवान की पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई। सड़क हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। जांच अधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा कि हमें सूचना थी कि राजौंद में एक कैंटर और गाड़ी की टक्कर हो गई। गाड़ी में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जब इन 4ों को कैथल के हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था, उस दौरान बीएसएफ के जवान, उसकी पत्नी और बेटी ने दम तोड़ दिया। बीएसएफ के जवान के परिवार वालों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसके आधार पर पता चला है कि मृतक बीएसएफ का जवान है। अम्बाला में एक्सपायरी परफ्यूम नष्ट करते वक्त आग लग गई जिसमें 4 लोग झुलस गए। मामला जसमीत नगर का है जहां एक परफ्यूम के गोदाम से खाली प्लांट में एक्सपायरी बोतलें नष्ट करते हुए यह हादसा हुआ। लोगों का कहना है कि जोरदार धमाके के साथ आग भड़की। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि लपटों पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद ली गई। घायलों को पहले सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उनकी हालत को देखते हुए उन्हें चंडीगढ़ रेफर किया गया है। घायल युवकों के परिजनों ने मांग की है कि पुलिस परफ्यूम गोदाम के संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच करे। हादसे के वक्त सभी युवक गोदाम में परफ्यूम के डिब्बे तोड़ने का काम कर रहे थे। पहले एक डिब्बे में आग लगी और जोरदार धमाके के साथ आग ने गोदाम को अपने चपेटे में ले लिया। लोहारू में मालगाड़ी के जनरेटर रूम में भीषण आग लग गई। ट्रेन लोहारू के ढाड़ी अकबरपुर के पास रुकी हुई थी जिसके बाद अचानक ट्रेन के जनरेटर रूम में आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। देर रात 1 बजे ट्रेन को उसके गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिवार निवारण दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने यह सिद्ध कर दिया कि संघर्ष, दृढ़ संकल्प, मेहनत और साहस से मनुष्य कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बाबा साहब 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने 64 विषयों में 12 स्नातक करने के अलावा 21 साल तक विश्व में सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया। बाबा ने देश में 14 से 8 घंटे तक काम समय निर्धारित करवाने में